बुद्ध पूर्णिमा है और आज जमशेदपुर के वहाँ ऐतिहासिक मंदिर बुद्ध मंदिर में आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ और क्या क्या चीज़ का भोग लगाया जा रहा है नाना प्रकार भगवान। सबसे पहले आप सबको नमो बुद्धाय और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे मेरा नाम प्रदीप बरुआ, मैं बोधि सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये बोधि सोसाइटी झारखंड स्टेट की एकमात्र बुद्धिस्ट हेड क्वार्टर है, जहाँ पे आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग मना रहे हैं। तो काफ़ी लोग डिवोटीज यहाँ पे आए हैं और हमारा जो मॉन्क्स है वो जो बुद्धिस्ट रिचुअल्स है उसको मेंटेन कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में हमारे जो सोशल वर्क पे भी हम जोर देते हैं समय समय पर, जैसा आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और साथ में हमारा हेल्थ चेकअप कैंप जो नारायणा ब्रह्मानंद से आए हुए हैं डॉक्टर्स वगैरह, उन लोग का टीम, उन लोग आज यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप कर रहा, शुगर प्रेशर सब चेक कर रहे हैं। बहुत संख्या में लोग उनको फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे। और इसके उपरांत हमारे यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है 4 बजे से आरंभ होगी और उसके बाद ये शाम को फिर हम 101 दीप प्रज्वलन करेंगे, जिसको विश्व शांति के लिए या तो जो आज भीषण युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में और इधर में इसराइल और हमास के बीच में, तो ये जो लोग आम लोग जिसमें मर जा रहे हैं इतने लोग, इनके लिए हम लोग शांति कामना करते हैं और उनके लिए हम 101 दिया जलाएंगे। और साथ में हम लोग का चेजस होम में हम लोग का यहाँ पे फल और जो भी हमारा मटेरियल से खाने का फूड मटेरियल वो भी हम लोग वहाँ दान किए हैं। सभी भगवान को आप लोग नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, क्या भोग में क्या उसका भोग में हमारा जो बुद्धि के सामने में ज़्यादातर हमने फ्रूट्स, उसके बाद खीर हुआ, फ्रूट्स हुआ, उसके बाद जो भी हमारा तरह तरह के लोग लाते हैं बिस्किट्स वगैरह, ये सब केक वगैरह ये सब ही देते हैं हम लोग इन जनरल। और साथ में लोगों के लिए भोग की व्यवस्था है, उसमें हमने राइस सब्जी दाल ये सब का व्यवस्था है जो वेज खाना है। मंदिर को बहुत भव्य डिजाइन से सजाया गया, कहाँ से कारीगर आए, कैसे करके ये कारीगर अपना पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से जो है इसको डिज़ाइन किया उसने, जो भाई साहब आए थे और उसने है जमशेदपुर के ही कारीगर हैं लेकिन बट वो दुर्गापुर से डिज़ाइनर दुर्गापुर के दुर्गापुर का है। हाँ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको अभी जो है फॉल्स सीलिंग इसको लगवाया है बहुत अच्छा से। एक डोनर है हमारा पूर्णिमा बरुआ बोल के, वो जो USA में रहती है, उसने करीबन 2 लाख रुपया दे करके सोसाइटी को सहयोग किया, उसी राशि से हम लोग इसको बनाए। भगवान का मूर्ति जो बहुत सुंदर लग रहा है, उसको नहीं इनको हम लोग एक्चुअली पहला दिन क्या करते हैं बुद्ध के प्रतिमा को हम लोग नारियल पानी जो डाब का पानी बोलते हैं उनसे हम लोग नहाते हैं, चंदन से करते हैं नहाते हैं, उसके बाद साफ सुथरा करने के बाद उसके बाद हम लोग आज जो पूजा जो हमारा रिचुअल्स है वो सब हम लोग किया। बुद्ध मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? हो गया बहुत बहुत साल से आ रहे हैं, बोधि सोसाइटी के मेंबर। मंदिर में भगवान के लिए अपने भगवान के लिए क्या क्या किया आपको? आज पूजा किए हैं, भगवान को फल उल चढ़ाना पड़ता है, सब पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान किए हैं, आज मेडिटेशन भी कराए हैं, सब कुछ किए हैं आज। और क्या करेंगे आप लोग शाम को? शाम को प्रोग्राम है, डांस का भी प्रोग्राम है, सिंगिंग का भी प्रोग्राम था, आज सवेरे भी हुआ था प्रोग्राम। हम उपासिका समिति से हैं, सबको हम लोग बुद्ध का गाना भी गाए हैं, बुद्ध के बारे में ध्यान किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आए हैं। भगवान बुद्ध मंदिर में क्या चीज़ अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा? सबसे अच्छा यहाँ शांति है, बहुत अच्छा सजावट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा से देखभाल भी किया जा रहा है, जितने भक्त जन आ रहे हैं। और सबसे ऊपर भगवान का जो प्रतिमा बनाया गया बहुत सुंदर लग रहा है। बुद्ध मंदिर का यहाँ रांची, धनबाद, उड़ीसा, घाटशिला और कलकत्ता में भी बहुत से सारे उपासक उपासिका लोग आए हैं और भाग लिए हैं और सुंदर आनंद उल्लास से आज इस बुद्ध पूर्णिमा को अच्छी तरह से मनाया। साल हो गया इस मंदिर की स्थापना 1956 से स्टार्ट है, आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। मेरा नाम दुर्गा कुमार अग्रवाल, मैं ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल आज एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित किया गया था बोधा सोसाइटी साक्षी में, जिसमें करीब करीब 100 से 50 लोगों ने अपना निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाया और हम लोगों ने निःशुल्क ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वज़न, ECG की जांच की। डॉक्टर मुकेश कुमार और डॉक्टर सुभाषिश डे ने लोगों का स्वास्थ्य जांच किया। किस संस्था की तरफ से किया गया? ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल।